फगवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे भाजपा के उम्मीदवार व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला के नामांकन पत्र भरवाने हेतु राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, प्रदेश महामंत्री राजेश बग्गा विशेष रूप में स्थानीय चुनाव कार्यालय हरगोबिंद नगर फगवाड़ा में पहुंचे। इस अवसर पर सोम प्रकाश केंद्रीय राज्य मंत्री मोदी सरकार सांपला के नाम प्रस्तावक के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे और उनका नाम प्रस्तावित कर उनका नामांकन पत्र भरवाया। साथ ही अमित सांपला को कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नाम दर्ज कराया गया। इस मौके पर गौतम ने कहा, भाजपा ने एक बहुत बड़ा चेहरा चुनकर विधानसभा फगवाड़ा के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने प्रण लिया है कि वह पूरी तरह से विजय सांपला का साथ देंगे और इस चुनाव में विजयी बना विधानसभा में भेजेंगे। उन्होंने कहा, जिस तरह का उत्साह फगवाड़ा वासियों में देखने को मिला है, उससे लगता है कि सांपला भारी बहुमत से जीत प्राप्त करेंगे। वह उन्हें पंजाब सरकार में एक उच्च पद भी दिया जाएगा, जिससे फगवाड़ा का अधिक विकास होगा और फगवाड़ा वासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ने आज महसूस किया है कि फगवाड़ा वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है कि वह चाहते हैं कि फगवाड़ा में कमल खिले व पंजाब में भाजपा की सरकार आए। गौतम ने उम्मीद जताते हुए कहा, सांपला को फगवाड़ा वासियों का आशीर्वाद मिलेगा और वह भारी बहुमत से जीत प्राप्त करेंगे। रमन कुमार, फगवाड़ा, पंजाब से खास रिपोर्ट। लोग भारतीय जनता पार्टी अपनी जी सहमति हूँ बना ले जाए। तुम अगर तीन महीने पहला पंजाब के हालात देखते तो शायद थोड़े बच्चों कोई भी ये कह नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ने, ऐसा थोड़े वालों शंका जताई। और अज जी अज थानू ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, भाव लोगों के दिलों के हूँ जोड़ा पूरी तरह से विश्वास जोड़ा वध्या। और तुम देख रहे हो कि असी सारी की सारी पार्टी एक, अज मैं नॉमीनेशन नहीं आया तो मेरे प्रपोजल के रूप में सोम प्रकाश जी आए हैं और यहाँ सारे बहुत बड़ा संदेश है कि भारत जोड़े मनों की शंका थी वो सारिया खत्म हो जानी चाहिए। हूँ ये दोबारा सवाल ना आए इसकी भी रिक्वेस्ट करता क्योंकि अज मैं जो कैंडीडेट बनने जा रहा तो साड़ी एकता जुटता का परिणाम है। इतने कोई नहीं, तीन बंदे आने की तरफ से ना, रोशन जी जो मुंबई से आए हैं, ये एक्टर ने वैसे मुंबई से ले एक मिनट जी, एक मिनट हाँ जी सामने जी, हाँ जी हाँ जी देखो जी सामने पेपर पर गए उन्होंने बारे की कहना चाहोगे जी। देखो 2022 दी चोणां 5 साल बाद हर बार होंदिया, इस बार असी विजय सांपला जी भारतीय जनता पार्टी वालों नॉमीनेशन पेपर फाइल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर नाल ताकत नाल इलेक्शन लड़ेगी और इन दी जित असी समझदे यकीनी है। समर्थक जिहड़े तुहाडे समर्थक है जी, वह इस टाइम हजे तक कितने भी, तुम चिंता ना करो, साडे समर्थक लेट नहीं हो रहे, साडे नाल ही है, सारे जने इकट्ठे काम कर रहे हैं। असी जीत प्राप्त हो और अंडरग्राउंड का आज मुझे 5 दिन लगातार रूम के प्रवास करते हो गए। मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये अंडरग्राउंड ऊपर करंट के रूप में भी दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी का हमारा उम्मीदवार जीत कराएगा और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा का भाव है, हमने हर कसौटी में पूरा किया है। मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, हमने एक स्वच्छ छवि का, साफ सुथरा, अनेकों अनेक मंत्रालयों का अनुभव, अनेकों अनेक प्रशासनिक अनुभव, अनेकों अनेक संगठनात्मक अनुभव, सभी अनुभवों से परिपूर्ण बहुत खुशी हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के शामिल होया, मैं इन्ना खुश हाँ कि मैं अपने बयान नहीं कर सकता। मैनू बड़े लंबे समय तो मैं जरा कांग्रेस पार्टी के नाल सीगा, उन्होंने मैनू इन्ना धोखा दिता। 2009 तो मैं बार बार तीन बार ट्राई कर चुका टिकट वास्ते और बहुत बड़ा जो मैनू पार्टी ने किया हर तरह का मैं काम किया,
और अपना कारोबार भी बाहर प्रदेश के सब नू पता मेरा किड्डा कारोबार सी वह भी खराब किया। मैं एक होर उस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की एक होर निंदा करता हाँ। अज मैं महसूस करता कि मैं संघ परिवार के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होया। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।